तो गाइस दिवाली आने वाली है और सभी को इंतजार होता है दिवाली के समय नए नए ऑफर्स का, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में हो या फिर ऑफलाइन मार्केट में हो। तो यहाँ पर कई लोगों को उम्मीद थी जियो से, और जियो ने उन लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरते हुए एक नया ऑफर लॉन्च किया है। जानते हो क्या है वो ऑफर? वो ऑफर यह है कि आज तक जितनी भी जियो ने फ्री कॉलिंग्स दी हैं, आज से वो सारी की सारी बंद। मतलब आज से नहीं, आज 9 तारीख है, 10 तारीख 10 अक्टूबर 2019 से सारी की सारी जो भी जियो फ्री कॉलिंग्स देता था वो सारी की सारी बंद। हाँ गाइज, ये रियल न्यूज़ है। अभी 6 बजे के समथिंग मेरे पास आया था एक छोटा सा प्रेस नोट जिसके अंदर लिखा होता इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मैं भी आप लोगों की तरह जल्दी से मैं गया, मैंने कहा यार दीपावली का ऑफ़र होगा, जल्दी से ओपन करते हैं। जैसे ही ऑफ़र को ओपन किया, वहाँ पर मुझे मिला एक ये न्यूज़, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ था कि 10 अक्टूबर 2019 से जियो IUC इंटरनेट यूजेज चार्जेस, जो कि होते हैं जब कोई एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को अपनी जो कस्टमर्स हैं उनसे कॉलिंग्स करवाता है, उनके थ्रू कनेक्ट होता है, दूसरे ऑपरेटर से कनेक्ट होता है, तो वो जो ऑपरेटर हैं जिसके कस्टमर कॉल कर रहे हैं उस ऑपरेटर को कुछ चार्जेस देने होते हैं जिनको कहते हैं इंटरनेट यूजेज चार्जेस। उसी के तहत जियो ने अभी तक 13,500 करोड़ रुपए दूसरे ऑपरेटर्स को दे दिए हैं, फिर चाहे वो आपका एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो या फिर कोई और ऑपरेटर हो। तो ऐसे करते करते जियो ने अभी तक 13,500 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन अब जियो और उनको इतना रुपया नहीं देने वाला है। तो इसीलिए जियो ने अब इस फैसिलिटी को कर दिया है बंद। मतलब अब आपको IUC चार्जेस आपको चुकाने होंगे, मतलब जो जियो के कस्टमर हैं उनको चुकाने होंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब से जियो से किसी और ऑपरेटर पे कॉल करोगे, मतलब आपके पास जियो की सिम है और आप किसी एयरटेल यूज़र को या फिर किसी वोडाफोन यूज़र को कॉलिंग करोगे, तो वहाँ पर आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आपके आगे वाले जिसको आप कॉल कर रहे हो वो उसके पास भी अगर जियो की सिम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, लेकिन अगर उसके पास एयरटेल या वोडाफोन है या कोई दूसरा ऑपरेटर है जिसका सिम है उसके पास, तो वहाँ पर आपको 6 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से वहाँ पर आपको IUC चार्जेस का पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जियो में करवाने होंगे अलग से रिचार्ज, जहाँ पर आपको, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको कैसे कैसे ये चार्जेस आपको लगेंगे और कैसे कैसे रिचार्जेस इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली देखा जाएगा तो 10, 20, 50 और 100 रुपए के रिचार्जेस मिल जाएंगे। उनमें अलग अलग जो कॉलिंग मिनट्स हैं वो आपको मिलेंगे, जो आके आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसी के साथ में अब जियो ने हमेशा से आपको फ्री में दिया है, जो भी दिया है सब कुछ। अब एक तरीके से देखा जाए तो इंटरनेट का पैसा लेता था जियो, आपसे कॉलिंग का पैसा नहीं लेता था। तो जियो आज भी यही कहना चाहता है, इसीलिए जियो ने क्या किया है, आपको जो रिचार्ज आप करवाओगे, चाहे 10 रुपये का करवाओ चाहे 20 रुपये का करवाओ, वो पैसा आपका कॉलिंग में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आपको जियो इसकी जगह पे आपको साथ में इंटरनेट भी देगा। मतलब 10 रुपये का रिचार्ज करवाओगे तो वहाँ पे लगभग 124 मिनट के समथिंग तो आपको मिनट्स मिलेंगे, उसके साथ में आपको 1 GB डेटा फ्री मिलेगा। एक तरीके से जियो कहना चाहता है ये 10 रुपये मैं आपको 124 मिनट के लिए नहीं ले रहा, आपसे ले रहा हूँ 1 GB डेटा के लिए। तो ऐसे ही 20 रुपये के साथ में आपको 2 GB डेटा मिलेगा, 50 रुपये के साथ में आपको 5 GB डेटा और 100 रुपये के साथ में आपको 10 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गाइज न्यूज़ तो थोड़ी सी बैड है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके दो ही यहाँ पर आप आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट्स देखोगे। या तो सारे के सारे लोग यूज़ करने लग जाएंगे जियो का ही सिम, या फिर आपको ऐसे रिचार्जेस वगैरह से परेशान होकर अपना खुद का ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे ऑपरेटर्स अभी तक इस चीज़ का कोई भी अलग से रिचार्ज नहीं करवाते, वो आज भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग्स ही देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं भी अभी गया कि राइड से आया था कल ही, जो मेरी फर्स्ट राइड थी, बहुत ही लॉन्ग राइड थी, 850 किलोमीटर राइड मैंने अपनी बाइक पे की है। और आपको अगर उसके वीडियोस देखने हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ यहाँ पर ऊपर, आप वहाँ से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जल्दी ही वो सारे वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बहुत ही परेशान था, लेकिन मैंने मतलब जैसे ही ये न्यूज़ देखी, अब रहे यूट्यूबर तो जल्दी से ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना भी ज़रूरी था,
बना दिया आप सभी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही हालत खराब थी लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए वीडियो बना दिया है। तो बस अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उनके रिप्लाई दे दूंगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।